अस्सलाम वालेकुम मेरे देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बिरयानी के मसाले की रेसिपी दूंगी अपने स्टाइल में, जो कि बहुत आसान है और बहुत टेस्टी ये बिरयानी बनेगी। ये चटपटी बिरयानी है। चले तो हम इंग्रेडिएंट्स बताना शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ मसाले ऐसे हैं जो ड्राई रोस्ट होंगे और ड्राई रोस्ट होकर ठंडा करेंगे हम इसको, उसके बाद पीसेंगे, और कुछ मसाले पिसे हुए हैं जो हम उनको मिक्स करेंगे। सबसे पहले हमने लिया है काला जीरा 30 ग्राम है, सफेद जीरा 20 ग्राम है, बड़ी इलायची गिनती में 7 पीस है, वजन के हिसाब से ये 3 ग्राम है। मैंने सारा मसाला वजन करके डाला है। साबित धनिया 50 ग्राम है, दालचीनी 6 ग्राम है, लौंग 5 ग्राम है, जायफल जावित्री, जायफल मैंने 1 पीस लिया है और जावित्री 3-4 है, मगर जायफल के ऊपर देखिए जावित्री होती है, ये जावित्री ऊपर से निकालते हैं तो फिर इसके अंदर से जायफल निकलता है। छोटी इलायची ली है 5 ग्राम, जो आधा मैं मसाले में पीसूंगी और आधा मसाले के अंदर साबित डालूंगी। तेजपात 3 ग्राम है, ये गिनती के हिसाब से 7-8 पीस है लेकिन वजन में 3 ग्राम है। नमक हमने लिया है 50 ग्राम है, आमचूर पाउडर 20 ग्राम है, अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं हो तो लेमन वाला नमक हो आप वो भी डाल सकती हैं, या लेमन का पाउडर हो। कश्मीरी मिर्च 20 ग्राम है, हल्दी 20 ग्राम है, अदरक पाउडर 10 ग्राम है, काली मिर्च 4 ग्राम है, ये साबित ही उसमें डलेगी, इसको हम पीसेंगे नहीं। गार्लिक पाउडर 20 ग्राम है, लाल पिसी हुई मिर्च 50 ग्राम है, शक्कर हमने लिया है 30 ग्राम है, ये हम आखिरी में डालेंगे, और शक्कर इसलिए डालेंगे कि ये मसाले जो है वो महफूज रह सके, इसमें फफूंदी वगैरह नहीं लगे। आलू बुखारा 35 ग्राम है और गिनती में 13 पीस है, ये आप लोग चाहें तो इसमें और भी ज्यादा डाल सकते हैं। बादियान का फूल है, गिनती में ये 3 फूल है और ग्राम में 3 ग्राम है। तो चले हम ड्राई रोस्ट वाले को, साबित मसाले को ड्राई रोस्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चूल्हे को ऑन किया और आंच बहुत हल्की रखनी है कि ज्यादा तेज आंच में कहीं ये जल ना जाए। इलायची आधी डालेंगे और आधी साबित डालेंगे, बड़ी इलायची पूरी डालना, दालचीनी भी पूरी डालना। लौंग भी आधा डालेंगे और आधा इसको साबित रखेंगे, मसाले के अंदर साबित डालेंगे। 2-3 मिनट इसको टोटल भूनना है, ज्यादा नहीं करना है। हर मसाले की अपनी अलग खूबी है, खासियत है, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है और खाना जरूरी भी है इसका। ये बादियान का फूल है, इसको मैं तोड़ के डालूंगी। जायफल जावित्री, एक जायफल है, मैंने उसको क्रश कर दिया था, और ये जावित्री है। बिरयानी मसाले की फरमाइश आई थी, बहुत दिन हो गया था मैं ये सोच रही थी कि ये काम कर दूं, बच्चियां जो नई नई बनाने वाली हैं उनको भी आसानी हो जाएगी, और आप एक साथ ये बना के रख लें तो काम भी आपका आसान हो जाएगा। चार से पांच मिनट हो गया है, ड्राई रोस्ट हो गया, ये इसको बहुत ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ ऐसा रखना है कि इसकी नमी खत्म हो जाए, तो बस खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो चले हम इसको ठंडा करके फिर पीसते हैं। मसाला ठंडा हो गया है, अब हम इसको पीसने पर रखते हैं। खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन ठंडा होने पे पीसिएगा, गर्म पे नहीं पीसिएगा। जब बहुत बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा टाइप का रखना है। आधा मसाला हम इसमें निकालते हैं और बाकी फिर जो दूसरा है इसको भी डाल के एक दफा मैं चला लूंगी। जैसे ये गार्लिक का पाउडर है, आमचूर पाउडर है, हल्दी है,
नमक है, नमक भी डाल दे रही हूँ ताकि सारा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये अदरक का पाउडर है, बस फिर मैं अभी इसको बस एक मिनट पीस के फिर इसको हम सारे को इसमें निकाल लेते हैं। बाकी ये सब डालना अब इसमें शुरू करते हैं। ये लाल पिसी हुई मिर्च जो है इतने मसाले के लिए काफी है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो कम ज्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। 1 किलो चावल की बिरयानी बनाएं, उसमें अगर 1.25 किलो या 1.5 किलो गोश्त डालें तो उसके लिए 4 चम्मच बराबर से ये पाउडर काफी रहेगा मसाला। 3 चम्मच आप कोरमे में डालिएगा और 1 चम्मच दम पे डालिएगा, बिरयानी का जब दम लगाइए तो उस वक्त डालिएगा। अभी इसमें ये डाल देते हैं, और ये सब साबित मसाला भी आता है तो अच्छा लगता है। शक्कर मैंने बताया ना, शक्कर से ये सेफ करता है मसाले को, खुशबू उसकी बहुत अच्छी आ रही है। इस मसाले को ट्राई करें आप लोग बिरयानी बना के, और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप लोगों की बिरयानी कैसी बनी। चटपटी बिरयानी का मसाला तैयार हो गया है। इसको मैंने एयरटाइट जार में रख लिया है और 1 किलो बिरयानी का मसाला मैंने ऐसे निकाल कर रखा है। आप लोग जाएं इस रेसिपी को ट्राई करें और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये कैसा बना। चलती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला दूसरी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।